सर्वप्रथम भगवान बुद्ध के चरणों में वंदना करते हुए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजनों के महानायक युग प्रवर्तक मनवर कांसीराम जी के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पे हम कोटि कोटि श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा अपने बहुजन समाज के लिए एक संदेश दे रहे हैं, जिससे कि बहुजन समाज के लोग जागृत हों और अपना उत्थान अपना विकास स्वयं कर सकें। मेरे साथियों, मान्यवर कांसीराम साहब पूरी जिंदगी बहुजन समाज के लिए समर्पित कर दिए। उन्होंने जब नौकरी कर रहे थे उस समय मान्यवर कांसीराम साहब ने 1971 में नौकरी छोड़ दिया। बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन पर अपने अधिकारी से बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाने के लिए छुट्टी मांग रहे थे, लेकिन वो अधिकारी मनोहर कांसीराम साहब को छुट्टी देने के लिए तैयार नहीं थे। उसी समय मनोहर कांसीराम साहब बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उसी समय उस अधिकारी से लड़ाई कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं और उसी समय मनोहर कांसीराम साहब उस अधिकारी से लड़ाई झगड़ा करने के बाद फिर ऑफिस जाना बंद कर देते हैं। संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने पूरे समाज के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया, उस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। तब मान्यवर कांसीराम साहब बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन बढ़ाने के लिए, उनका जन्मदिन मनाने के लिए संकल्प लेते हैं और कुछ दिन बाद नौकरी को लात मार देते हैं और संकल्प लेते हैं बहुजन समाज को जगाने के लिए। मनवर कांसीराम साहब का जन्म पंजाब में हुआ था 1934 में, 15 मार्च 1934 को जन्म हुआ था। वैसे मनवर कांसीराम साहब भारत सरकार की ए ग्रेड की सर्विस करते थे तथा उस सर्विस पीरियड में उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की कुछ पुस्तकों का अध्ययन किया और उस पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद मान्यवर कांसीराम साहब के विचार को बदल डाला उस पुस्तक ने। तब मान्यवर कांसीराम साहब ने निकल पड़े बहुजन समाज को जगाने के लिए। सबसे पहले उन्होंने पूरे भारत में जो बहुजन समाज के अंतर्गत दलित शोषित पिछड़े समाज के जो अधिकारी थे कर्मचारी थे उनको संगठित करने का काम किया। जब उनको संगठित किए, बाबा साहब अंबेडकर का जो विचार का प्रभाव मान्यवर साहब के ऊपर पड़ा, वह प्रभाव कांसीराम को कभी चैन से बैठने नहीं दिया। मान्यवर कांसीराम साहब रात रात सोचते थे, सोचते सोचते उनको नींद नहीं आती थी, कभी रात में भी रोते थे। कांसीराम साहब कर्मचारियों के हित में, सबसे पहले कर्मचारियों के हित में कर्मचारियों का संगठन बनाया, पूरे देश में उन्हीं कर्मचारियों के माध्यम से पूरे देश के बहुजन समाज को जगाने का काम किया। मान्यवर कांसीराम साहब सबसे पहले बामसेफ का गठन किया,
उसके बाद DS4 का गठन किया, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी नामक राजनीतिक पार्टी का गठन किया 14 अप्रैल 1984 को। बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन पर मनोहर कांसीराम साहब बहुजन समाज पार्टी नामक राजनीतिक दल का गठन करते हैं और यह संकल्प लेते हैं कि कांसीराम साहब तीन संकल्प लेते हैं कि ये कांसीराम साहब पूरी जिंदगी अपनी शादी नहीं करेगा, अर्थात अपने मस्तक पर यह ताज नहीं बांधेगा। दूसरा संकल्प लेते हैं माननीय कांसीराम साहब कि ये कांसीराम साहब के नाम से पूरे भारत में कहीं भी एक इंच जमीन नहीं होगी। और तीसरा संकल्प लेते हैं माननीय कांसीराम साहब कि पूरे बहुजन समाज के लोग ही कांसीराम का परिवार होगा। ये तीन संकल्प लेकर के माननीय कांसीराम साहब पूरे भारत में हजारों किलोमीटर साइकिल चला चला करके इस बहुजन समाज को जगाने का काम किया। हजारों किलोमीटर साइकिल चला करके पद यात्रा करके इस बहुजन समाज को जगाने का काम किया। वैसे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांसीराम साहब हमेशा कहा करते थे कि इस बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना है, मतलब इस देश का शासक बनाना है। जब कुछ उनके पार्टी के समर्थक बहुत पहले की बात है, वो कहते थे कि साहब असंभव, मनोहर साहब बहुत तेजी से प्यार भरे शब्दों में डांट देते थे, कहते थे कि संभव है, हो सकता है। कांसीराम साहब का दृढ़ संकल्प था, दृढ़ निश्चय था कि यह बहुजन समाज एक दिन शासक जरूर बनेगा। इसीलिए सभी रैलियों में अपने कार्यकर्ताओं को यह कहा करते थे कि समूचे बहुजन समाज को शासक बनना है, हुक्मरान बनना है। साथियों, माननीय कांसीराम साहब बहुजन समाज के लोगों को एक संदेश और दिया करते थे कि कांसीराम साहब जो आज बहुजन समाज पार्टी पूरे भारत में देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बनके उभरी है, उस बहुजन समाज पार्टी को देश की नंबर एक की पार्टी बनाना है। इस संकल्प के साथ माननीय कांसीराम साहब पूरे देश में घूम घूम करके लोगों को तैयार करते थे। लाखों कार्यकर्ता थे एक एक प्रांत में। हमको भी अवसर मिला मनोहर साहब के कई कार्यक्रमों में सहभाग होने का, जिसने मनोहर साहब के कार्यक्रम को सुना, जिसने मनोहर साहब के विचारधारा को सुना, जिसने मनोहर कांसीराम साहब की भाषण को सुना, उसका जीवन बदल गया, उसका विचार बदल गया, उसके विचार क्रांतिकारी हो गए, उसके विचार ढोंग और आडंबर से पूरी तरह से हट गए, मुक्त हो गए। जबकि कांसीराम साहब बहुजन समाज में जन्मे समस्त महापुरुषों का विचारधारा जब बयां करते थे, बताते थे, उसको सुनने के बाद ऐसा लगता था कि माननीय कांसीराम साहब एक परिवर्तन करना चाहते हैं, परिवर्तन की आंधी है माननीय कांसीराम साहब। वास्तव में माननीय कांसीराम साहब राजनीतिक मंच से राजनीति पे अपना व्याख्यान करते थे, भाषण देते थे, लेकिन उनके भाषण में इतना दम था, जो भारत की सरी गली व्यवस्था थी, जड़ जमाए मनुवाद था, जिसको हम ब्राह्मणवाद कहते हैं, उसको माननीय कांसीराम साहब का भाषण, उनके विचार सुनने के बाद एक एक कार्यकर्ता
अपने अंदर से उस ठोंग पाखंड और मनुवाद को निकाल देता था, निकालता नहीं था, स्वयं निकल जाता था अंदर से। मन और कांसीराम साहब के विचार इतने प्रभावशाली हुआ करते थे। साथियों, मन और कांसीराम साहब बार बार ये कहा करते थे, इस धरती पर जो व्यक्ति आया है वो व्यक्ति जाएगा। कहा करते थे ये कांसीराम, रहे या न रहे लेकिन ये आंदोलन रहना चाहिए। माननीय कांसीराम साहब कहते थे कि ये बहुजन समाज को आगे बढ़ते रहना चाहिए। मेरे साथियों, माननीय कांसीराम साहब जिस समय ये संकल्प ले रहे थे, बहुजन समाज का एक एक कार्यकर्ता, एक एक समर्थक अक्षरतः ध्यान से सुन रहा था, जैसे कोई अध्यापक अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है। विद्यार्थी एक एक अक्षर नोट करता था और उसको याद करता था। उनके कार्यकर्ता नोट करते थे, याद करते थे और पूरे जीवन में उसका पालन करते थे। आज माननीय कांसीराम साहब के संघर्ष का ही परिणाम है कि आज भारत देश की सभी पार्टियां बहुजन समाज पार्टी की तरफ निगाह लगा के बैठी हुई है। बहुजन समाज पार्टी आज देश में वोट के मामले में भारत की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बन के उभरी है। मेरे साथियों, आने वाला समय 2019 का लोकसभा चुनाव होने वाला है। मनोहर साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उन 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए हम लोग सारे बहुजन समाज के लोग, सर्व समाज के लोग यह संकल्प ले, यह प्रतिज्ञा करें कि जब तक बहुजन समाज की महानायिका आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री नहीं बना लेंगे, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। और साथ साथ बड़ी खुशी की बात है, पूरे देश से दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की पार्टियां उनके नेता बहन जी के सशक्तिकरण को, बहन जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं और गठबंधन करने के लिए लालायित हैं। बहन जी ने ऐलान कर दिया है कि भाजपा को जब तक नस्ते नाबूद नहीं कर लूंगी तब तक चैन से बैठने वाली नहीं हूं। आप लोगों को साथियों याद होगा कि जिस समय बहन कुमारी मायावती जी राज्यसभा से इस्तीफा देकर के राज्यसभा से निकल रही थी, उसके बाद उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक हम भारतीय जनता पार्टी को मटिया मेट नहीं कर देंगे तब तक चैन से बैठने वाली नहीं हूँ। आज आप देख रहे हैं देश की सारी पार्टियां बहन जी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। बहन जी ने भी हाथ बढ़ाया है कि चाहे जिस विधि से भी गठबंधन करके, समाज से गठबंधन, पार्टियों से गठबंधन करके और भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह से हटाना है, नहीं तो इस देश का बहुजन समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार बढ़ता जाएगा, रुकेगा नहीं और यह अत्याचार दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी ये बात है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत में आई है और उत्तर प्रदेश के साथ साथ विभिन्न प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के ऊपर सामाजिक और धार्मिक अत्याचार लगातार बढ़े हुए हैं। सामाजिक उत्पीड़न हो रहा है, राजनीतिक उत्पीड़न हो रहा है, उसको रोकने के लिए बहुजन समाज पार्टी को जब तक शासक नहीं बनाया जाएगा, बहन मायावती जी के हाथों में सत्ता नहीं सौंपी जाएगी, तब तक इस देश के हाथ में, जब तक बहुजन समाज के हाथ में सत्ता नहीं आएगी तब तक अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न रुकने वाला नहीं है। तो सारे बहुजन समाज के लोगों को यह संकल्प लेना होगा, प्रतिज्ञा करना होगा कि 2019 के चुनाव में हमको
बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना है, जिससे कि भारतीय संविधान की रक्षा हो सके। आज भारतीय संविधान खतरे में है, देश की अस्मिता खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। इस खतरे से बचाना है, संविधान को बचाना है। और रही बात आरक्षण भी खतरे में है। पहन जी पूरे देश में घूम घूम के कहती थी कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान पे खतरा आ जाएगा। आज वो साक्षात देखने को मिल रहा है। अगर संविधान बचाना है, संविधान की रक्षा करना है, तो एकमात्र उपाय यही है कि दिन रात लग करके संकल्प के साथ बहन कुमारी मायावती जी को 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री बनाना होगा। तभी भारत के अंदर दलितों, शोषितों, पीड़ित, अल्पसंख्यक तथा साथ साथ सर्व समाज का हित होगा, कल्याण होगा, उनका उत्थान होगा और देश में खुशहाली आएगी। महिलाओं, बच्चों, सारे लोगों के चेहरे पर मुस्कान आएगा, संविधान की रक्षा होगी, उन्नति हो पाएगी। नहीं तो भारत देश में हाहाकार मचा हुआ है, एक दूसरे से आंतरिक विभेद मच गया है। इन सब बातों के साथ सावधान रहते हुए मनोहर साहब कांसीराम के सपना को साकार करने के लिए, बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को बढ़ाने के लिए हमें आपको दिन रात तैयार रहना होगा और दिन रात मेहनत करना होगा। इस बार नहीं चूकना है, किसी भी कीमत पे नहीं चूकना है। और अगर हम लोग चूक गए तो संविधान खतरे में है, संविधान नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा तो बहुजन समाज के लोग नहीं बचेंगे, इनको अधिकार वंचित कर दिया जाएगा, अधिकार विहीन कर दिया जाएगा और इनका उन्नति, इनका विकास वो रुक जाएगा और वो फिर पुरानी स्थिति में ये चले जाएंगे। मेरे साथियों, इन्हीं सभी बातों के साथ हम ये बताना चाहते हैं कि आज बहन कुमारी मायावती जी भी आपके कल्याण के लिए, आपके संकल्प के लिए, आपके कल्याण के लिए, पूरे भारत के सर्व समाज के हित के लिए जिस प्रकार से मानवर साहब ने संकल्प लिया था, उसी प्रकार से बहन मायावती ने भी संकल्प लिया है कि पूरी जिंदगी ये मायावती शादी नहीं करेंगी, हाथ में चूड़ियां नहीं पहनेगी, मांग में सिंदूर नहीं पहनेगी और पूरा बहुजन समाज ही हमारा परिवार होगा। ऐसा संकल्प बहन जी ने भी लिया है और अभी हाल में ही बहन जी का स्टेटमेंट आया है कि हमारे दृढ़ वसूलों को, दृढ़ विचारधारा को कोई भी पार्टी बदल नहीं सकती है, बड़ा सा बड़ा पद देकर भी नहीं परिवर्तित कर सकती है, बदल नहीं सकती है। ऐसा बहन जी का भी दृढ़ निश्चय है। तो बहन जी के नेतृत्व में पूरी भारत की पार्टियां जब स्वीकार कर रही हैं उनकी सशक्तिकरण को, उनकी अगुवाई में महासंगठन बन रहा है, महागठबंधन हो रहा है, तो उस गठबंधन के पक्ष में सारे लोगों को मिलकर के बहुजन समाज पार्टी के जो सहयोगी साथी हैं, जो सहयोगी दल हैं, उनको भी मदद करते हुए जिस पार्टी, जो सहयोगी दल रहेंगे, जो गठबंधन की बात आएगी, जो गठबंधन का नियम होगा उसको स्वीकार करते हुए हम लोगों को सतर्क रहते हुए, भाजपा के चाल में न आते हुए सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा, बड़े चालाकी से, बड़े बुद्धिमानी से, बड़े समझदारी से, बगैर लालच के संकल्प के साथ बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करते हुए उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्प लेते हुए हमको माननीय कांसीराम साहब की पुनः हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए फिर से संकल्प लेते हैं बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए।
जय भीम, जय भारत।